फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है मीनिंग्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ अहम क्वेश्चंस को आपको दिखाएंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, एक नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ पावर, यानी ताकत का अंसुर या अज्जा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। पहले वीडियो में आपको हम ताकत का जो डेफिनेशन है वो दिखाए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो एलिमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं पावर का, यहाँ पे उसके बारे में पढ़ेंगे। ताकत और कौमी कुव्वत, कौमी ताकत के मुख्तलिफ अनासिर हज़ील हैं। एक नंबर यहाँ पे देखिए, जुग्राफी, जो जुग्राफिया है, जुग्राफिया की वजूद कौमी ताकत अहमियत को बमुश्किल नज़रअंदाज किया जा सकता है। कौमी ताकत पर जुग्राफिया असबाब का असर फैसला कुन होता है। मॉगेंटो की राय में जुग्राफिया कौमी ताकत का अहम तरीन अंसर है। जुग्राफिया से वाबस्ता चार अवामिल हज़ील हैं। ये जो जुग्राफिया है किसी भी मुल्क रियासत का, इससे जो है कौम की ताकत पर जो है बहुत असर अंदाज होती है। तो उसके चार अवामिल के बारे में पढ़ेंगे हम। तो अलिफ नंबर पर यहाँ पे देखिए, जुग्राफिया के चार अवामिल में सबसे पहला जो अवामिल है वो है जमीन का साइज। तो यहाँ पे जमीन के साइज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। रियासत का जमीन, जमीनी रुकबा खुद ही ताकत का एक अंसर है। यानी एक रियासत कितना बड़ा है ये उसकी ताकत जो है उस पर जो है मुनसर करता है। एक बड़ा सा इलाका बड़ी आबादी की रोजी और रिहाइश का इंतजाम कर सकता है। जैसे रूस एक बड़ा कंट्री है तो उसका रुकबा भी बड़ा होगा हिंदुस्तान से। तो उसका रुकबा जब बड़ा होगा तो वहाँ की आबादी भी बड़ी होगी। आबादी जब बड़ा होगा तो वहाँ का जो रिहाइश का इंतजाम है वो भी बड़ा होगा। तो वो जो है हर एक काम में जो है आगे रहने से उसका ताकत भी आगे बढ़ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुदरती वसाइल होते हैं, बेहतर फौजी बर्तरी हासिल होती है, सनतकारों का ज़्यादा मौका फराहम करता है। इसके अलावा एक बड़े इलाकों को ख़त्म करना और कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो इसमें जो है ज़्यादातर कुदरती वसाइल भी पाए जाएंगे, इसमें बेहतर फौजी बर्तरी भी हासिल होंगे, सनत का ज़्यादा तरक्की होगा, ज़्यादा सनतकारों को मौका मिलेगा नौकरी करने में। इसके अलावा एक बड़े इलाके को ख़त्म करना और कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इसलिए जो है उस बड़े इलाके को जो है कंट्रोल करना किसी की बस की बात नहीं होते हैं। नंबर बे के बारे में पढ़ेंगे, महलोकू, यानी उसका जो है महलोकू है। महलोकू रुकबा से ज़्यादा अहम होता है। ये जमीनी ताकत के तौर पर रियासत की ताकत का तयन करता है। मासियत, फौजी ताकत और तमद्दन पर इसका असर पड़ता है। डिप्लोमेसी और जंग में भी महलोकू का दखल होता है। तो ये था महलोकू। नंबर जी, आबोहवा। आबोहवा का तयन महलोकू बारिश और हवाओं के जरिए होता है। इससे लोगों की सेहत, तवानाई और तमद्दन तय पाते हैं। यू और यू ये कौमी किरदार साजी में अलग कार बनता है। तो आबोहवा किसी, मान लेते हैं किसी रियासत की आबोहवा बहुत ख़राब रहती है, हमेशा बारिश या हवाओं से लदा हुआ रहता है, तो वहाँ के लोग सेहतमंद नहीं रहेंगे। जब लोग सेहतमंद नहीं रहेंगे तो क्योंकि एक रियासत की जो सेहत, एक रियासत की जो ताकत है, मेन ताकत है वो लोग ही हैं। जब सेहतमंद लोग नहीं रहेंगे तो उस कंट्री का जो है ताकत ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए जो है आबोहवा असर करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए, सभी बड़ी ताकतें खत्ते मातदिल में वाक़ हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी तवानाई, अस्तात और ताकत के लिए मुनासिब नहीं होती है। या यहाँ पर अगर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या फिर किसी कंट्री में सबसे ज़्यादा सर्दी होती है तो उसके लिए भी ये जो है मुनासिब नहीं है ताकत के लिए। नंबर पाँच, जमीनी बनावट, यानी जमीनी बनावट कैसा है, कहीं पे मैदान है ना कहीं पे पहाड़ है, ये सब के बारे में। तो जमीन की शक्ल और बनावट अहम है। पहाड़, दरिया समंदर, रेगिस्तान इस बात की निशानदेही करते हैं कि वहाँ बंदरगाह है या नहीं, मुख्तलिफ इलाकों तक पहुँचाया जा सकता है या नहीं, सनत, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, कौमी सलामती वगैरह के लिए ढांचा, के लिए बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मौजूद है या नहीं। किसी इलाके में कोई इलाका मान लेते हैं पहाड़ी इलाका है तो उसमें जो है ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम सही नहीं होगा, आने जाने का मुसाफिर के लिए मुश्किल होगा। तो लोगों के लिए जो है मैदानी इलाका जो अहम होता है, समंदर, रेगिस्तान, पहाड़, ये सब अगर हो किसी भी कंट्री में तो उसमें जो है ताकत में वो कमी हो जाएगा उस सियासत में। अब दो नंबर पढ़ेंगे हम लोग आबादी। तो ये था जुग्राफिया का चारामिल, यहाँ पे आबादी के बारे में पढ़ेंगे। अब कौमी ताकत के एक अंसुर के तौर पर आबादी की अहमियत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। आबादी के अददी और सफाती दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखना जरूरी होता है।
एक कौम की आबादी को इतना बड़ा होना चाहिए कि वह अपने कुदरती वसाइल को पूरे तौर से इस्तेमाल कर सके। एक कंट्री का जितना भी आबादी है इस बात पर मुनहसर करता है कि उस कंट्री का ताकत है कितना होगा। 25 से 50 वर्ष की उम्र के लोगों की तादाद अहम है, क्योंकि उस उम्र के लोग फौज में भर्ती होने और मासियत की पैदावार अमल में हिस्सा के काबिल होते हैं, मगर आबादी भी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जमीन और वसाइल का इसका साथ ना दे सके। आबादी की क्वालिटी तय करने में उम्र, जिन्स, रह पैदाइश, सेहत, खानदगी, तमद्दुनी वगैरह जैसे अवामिल अहम हैं। आबादी की तादाद और वस्त दोनों ही कौम की ताकत या कमजोरी का जरिया बनते हैं। तो ये था नंबर 2 आबादी, ये नंबर 3 कुदरती वसाइल, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा ठीक से। इसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर 4 सनअती ताकत, 4 नंबर में सनअती ताकत, यहाँ पे देखिए सनअती ताकत के बारे में है। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे नंबर 5 में देखिए फौजी ताकत, मिलिट्री स्ट्रेंथ। नंबर 6 में यहाँ पे देखिए नजरियात, अखलाक, कौमी किरदार और कयादत, इससे क्या असर पड़ता है कौमी ताकत में। इसके बाद नंबर 7 में देखिए यहाँ पे हुकूमत यानी गवर्नमेंट से क्या असर पड़ता है। नंबर 8 में देखिए हुकूमत अमली या डिप्लोमेसी, इससे क्या असर पड़ता है कौमी ताकत में। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सारे अवामिल थे कौमी ताकत को असरअंदाज करने वाली। आपको मैं फिर से दिखाना चाहता हूं ताकि कुछ आपसे मिस ना हो जाए। तो ये था ताकत का अंसुर या अज्जा यानी मेन एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ पावर। तो सबसे पहला है जुग्राफिया, जुग्राफिया में 4 अवामिल हैं, जमीन का साइज, महलों को। इसके बाद यहाँ पे देखिए जमीनी बनावट, आबादी, तो यही तक रखते हैं आज। देखने के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।